अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास पहला है 431, कह रहे हैं अगर मैं इसका स्क्वायर निकालता हूँ तो ये ऑड नंबर होगा स्क्वायर या इवन होगा, ठीक है। तो ये देखो बेटा, कुछ नहीं करना है, इसका पूरे का स्क्वायर नहीं निकालना है। क्या करोगे तुम खाली, इसका जो यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे है, यहाँ पे क्या है, वन है, वन का स्क्वायर देखो, वन का स्क्वायर होता है वन, ठीक। तो तुम्हारे पास जो भी नंबर आएगा उसके एंड में वन आएगा। अब बता दो अगर एंड में वन है तो क्या ये ऑड होगा, तो येस दिस विल बी एन ऑड नंबर, ठीक है, आ गया समझ में। खाली यूनिट प्लेस का नंबर चेक कर लो। अगला है तुम्हारे पास 2826, इसका अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो हमारा नंबर क्या आएगा, ऑड या इवन, क्या करना है तुम्हें, लास्ट में 6 है, 6 के स्क्वायर 36, मतलब मुझे यूनिट प्लेस पे 6 मिल रहा है ना। तो जो भी नंबर आएगा उसके एंड में तुम्हें 6 मिल जाएगा। अब बताओ ये नंबर ऑड है या इवन है, तो भाई ये नंबर तो इवन हो जाएगा क्योंकि लास्ट में इसमें 6 है, ठीक है। तो दिस इज नॉट एन ऑड नंबर, ठीक। अभी तुम्हारे पास 3 × 7 है और 9 है, इसका स्क्वायर निकालो। जो भी नंबर आएगा बेटा, 9 का स्क्वायर 81, तो यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है। तो ये ऑड है कि इवन है, तो ऑब्वियसली ये नंबर तुम्हारा ऑड हो जाएगा, ठीक है। तुम लिख दो येस दिस इज एन ऑड नंबर, ठीक, क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक।